Welcome back. Now take out your math textbooks. ठीक है? Textbooks take out, निकालो आप अपने maths textbook and मैं भी textbook यहाँ पे निकालूंगी. यहाँ पे इस textbook को color करके हैं, क्योंकि पिछले साल का है, used है. ये हमने nursery में भी पढ़ा है, लेकिन M for We have studied it in nursery. Big and small. Big and small. बहुत बार बताया मैंने ये big and small. पूरा nursery में ये big and small पे बहुत सारे हैं. ये उसका actually revise है, revision है. Big and small. Big का मतलब बड़ा और स्मॉल का मतलब छोटा. बिग एंड स्मॉल. नाउ ये वाले जो जैसे ये वाला वर्ड्स है, नाउ वी विल नॉट आई विल नॉट रिपीट दिस ऑल द टाइम दैट बिग का मतलब बड़ा, स्मॉल का मतलब छोटा, बिकॉज वी हैव डन इट. सो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा स्टार्ट, कि हम अब इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे. देर इज नो नीड कि हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको बोलेंगे बिग का मतलब बड़ा, स्मॉल का मतलब छोटा. बिग का नो, वी विल से बिग एंड स्मॉल. नाउ यू कांट रीड इट, बट आई विल रीड इट आउट फॉर यू. कलर द बिग ऑब्जेक्ट रेड एंड द स्मॉल ऑब्जेक्ट येलो. यहाँ पे भी देखो, हम लोगों ने पहले भी ऐसे किया है ना, पिक्चर से हम लोग करते थे पहले भी नर्सरी में, वी यूज टू डू इट. तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, आर फॉर रेड, वी हैव डन इट. जब हम लोग शेप्स पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में नर्सरी में, जब हमने राइम भी किया, रेक्टेंगल का राइम हमने जब पढ़ा, तो उसमें हमने मैंने आपको बताया था कि आर फॉर रेक्टेंगल, आर फॉर रेड, नाउ लिटिल चिल्ड्रन कलर मी विद रेड, है ना. तो ये जो है आर से रेड, तो आपको उससे भी समझ में आएगा, कलर द बिग ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट रेड, तो रेड रेड दिखा के हैं, तो आप देख सकते हो, तो आपको समझ में आना चाहिए बी आई जी बिग, बी फॉर बिग. हम लोग ये आगे पढ़ेंगे इंग्लिश में, वी विल डू दिस बी फॉर बिग. मैंने आपको पहले से बताया है नर्सरी में भी, आप पहला वाला देखा करो एंड पिक्चर को देखो या कलर को देखो, उससे आपको क्या समझ में आएगा, उस तरीके से आप रीडिंग करो, उससे आपको समझ में आ जाएगा पहले पहले. एस फॉर स्मॉल, ओके. तो यहाँ पे ये बोलता है कलर द बिग ऑब्जेक्ट रेड, बिग ऑब्जेक्ट को रेड करना है एंड द स्मॉल ऑब्जेक्ट येलो. तो ये बिग ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इट इज अ सोफा, बिग ऑब्जेक्ट. इधर लिख के नहीं है जैसे कि ये क्या है, ठीक है ना. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मैम से पूछो, या फिर मैम जब नहीं होती है क्लास में, जब मैम क्लास देती है उसके बाद आपको याद नहीं रहा, फिर आप अपने मम्मी से पूछ सकते हो या पापा से पूछ सकते हो, व्हाट इज दिस, इसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में. बट इंग्लिश वाले में आप इसको बोलोगे, ठीक है ना. जैसे यहाँ पे बिग क्या है, सोफा, एंड स्मॉल जो है यहाँ पे इससे, दैट इज चेयर, तो जिसको हम कुर्सी बोलते हैं ना. बट अब आप क्या बोलोगे, चेयर. स्मॉल ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट. सो व्हाट यू विल डू, कलर द बिग ऑब्जेक्ट रेड, यू हैव टू कलर द बिग ऑब्जेक्ट विद द रेड क्रेयॉन, यूज क्रेयॉन्स ओनली. अभी आप पेंसिल कलर या स्केच कलर्स को यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना. सो कलर द बिग ऑब्जेक्ट रेड एंड द स्मॉल ऑब्जेक्ट येलो. यू हैव टू कलर द बिग ऑब्जेक्ट विद रेड एंड यू हैव टू कलर द स्मॉल ऑब्जेक्ट विद येलो. सो बिग ऑब्जेक्ट ओवर हेयर इज सोफा एंड द बिग ऑब्जेक्ट ओवर हेयर एंड द स्मॉल ऑब्जेक्ट ओवर हेयर इज चेयर. सो यू विल कलर द बिग ऑब्जेक्ट विद रेड एंड यू विल कलर द स्मॉल ऑब्जेक्ट विद येलो. ओके, टिक द बिगर ऑब्जेक्ट इन ईच सेट. नाउ देर आर टू बिगर, देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, दे आर, वॉट आर दे, दे हैव शोन टू ऑब्जेक्ट्स. The book says
टिक द बिगर ऑब्जेक्ट इन ईच सेट. बिगर जो बड़ा है, बिगर बिगर ऑब्जेक्ट जो है ईच सेट में, उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टिक द बिगर ऑब्जेक्ट. सो बिगर ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पहले, अब मैंने आपको अभी भी पहले बताया कि आपको ये पूछना है मम्मी से, मैम से, कि ये है क्या, ये जो हमने पढ़ा हुआ है ना, वी हैव डन इट. हमने ए टू जी तक नर्सरी में वेजिटेबल्स भी किए एंड फ्रूट्स भी किए, ठीक है ना. सो व्हाट इज इट, इट इज पंपकिन, पी फॉर पंपकिन हमने किया. एंड यहाँ का क्या है, टी फॉर टोमेटो. पंपकिन इज अ वेजिटेबल एंड टोमेटो इज अ फ्रूट, बट देयर ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट इन योर बुक्स इट इज रिटन एज वेजिटेबल. टिल द टाइम आप लोग बड़े हो जाओगे, जब वहां पे फिर लिख के होगा फ्रूट, तभी आप फ्रूट बोलोगे. अभी आपकी बुक्स में ये अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है ना. सो पंपकिन, पंपकिन का कलर यहाँ पे क्या है, ऑरेंज. इधर आप कलर भी देख सकते हो, पंपकिन का कलर. यहाँ पे इन्होंने बोला है बिगर ऑब्जेक्ट को टिक करना, तो पंपकिन को आपको टिक करना, बिकॉज इट्स बिगर देन द टोमेटो. बट द कलर ऑफ दिस पंपकिन इज ऑरेंज. ऊपर इन्होंने क्या बोला, कलर करना. तो यहाँ पे इसने क्या बोला, पंपकिन एंड टोमेटो में से बिगर ऑब्जेक्ट को क्या करना, आपको टिक करना है, ठीक है. पंपकिन, पंपकिन द कलर ऑफ पंपकिन इज पी फॉर. हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, पी फॉर पंपकिन, पी फॉर पंपकिन. कलर ऑफ पंपकिन इज ऑरेंज, इज ऑरेंज, ठीक है. कलर ऑफ पंपकिन इज ऑरेंज. एंड टी फॉर टोमेटो, टोमेटो. कलर ऑफ रेड, ठीक है. पंपकिन इज अ वेजिटेबल एंड टोमेटो इज अ फ्रूट, बट रिमेंबर इट्स अ वेजिटेबल इन बुक्स, ठीक है. सो यू विल टिक द बिगर ऑब्जेक्ट. एंड नाउ देयर इज अ बिगर ऑब्जेक्ट, ट्री एंड अ प्लांट. ट्री, द कलर ऑफ ट्री इज कौन सा है, कलर इसका ग्रीन, ठीक है. तो आप क्या करोगे, इस ट्री को करोगे कलर ऑफ ट्री इज ग्रीन. ऊपर का पोर्शन ग्रीन एंड लोअर जो है इसका ब्राउन. इसके बारे में हम अभी ईवीएस में पढ़ेंगे इसको और. ट्री एंड इस वाले, ये जो एक प्लांट है स्मॉल, इसका भी ग्रीन है. इसको हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम इसको और पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो अब इसको इसको हमने किया. अब है कलर द बिगेस्ट बॉल, बी फॉर बॉल, है ना, हमने पढ़ा है ना बी फॉर बॉल. तो बॉल में आपको करना है बिगेस्ट. देखो अब क्या है, दिस इज अ स्मॉल बॉल, दिस इज अ बिग, एंड दिस इज द बिगेस्ट. बिग होता है बड़ा एंड स्मॉल होता है छोटा, ठीक है ना. बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, एंड बिगेस्ट होता है, बिगेस्ट तीन में आता है, जहां पे आपको बिग भी देके होगा, स्मॉल भी देके होगा, और एक सबसे बड़ा देके होगा, ठीक है ना. सपोज यही है एक सर्कल, छोटा बड़ा, ये मतलब या मैंने अंडा जैसा आई हैव मेक लाइक एन एग, ओके एग ही बनाते हैं, मैंने एग जैसा बनाया सर्कल, ठीक है. मुझे आता ही नहीं, मैं अभी सीख रही हूँ, आप ही सीखोगे, ठीक है ना. मुझे नहीं आता अभी, देखो मुझे आता ही नहीं. अब मैंने देखो कैसा अंडा बनाया, ये अंडा होता है, इज इट एग, ये आलू बन गया, और देखो ये कचालू मैं बनाऊंगी, नहीं आता मुझे, आता ही नहीं. देखो कैसे मैंने एग्स बनाए, एक जैसे आलू है, एक जैसे क्या बनाया मैंने, एक अजीब से एग्स बनाए मैंने, है ना. तो
तो अब देखो ये सबसे स्मॉल है, तो उसके बाद ये छोटा है और उसके बाद ये बड़ा हो है, ठीक है ना। तो ये तीन में हम जब कंपेयर करेंगे, तीन चीजों को जब हम रखेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। वैसे ही हमने इसमें बड़ा वाला निकाला था, बट अगर इसमें कहेंगे विच इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा, आपकी बुक में है विच इज द बिगेस्ट कलर, द बिगेस्ट बॉल, जो बड़ी वाली बॉल है उसको कलर करो, या बड़ा वाला जो भी ऑब्जेक्ट है उसको कलर करो। तो बट अगर आपको ये आएगा कलर द स्मॉलेस्ट, तो आपको क्या देखना है, सबसे छोटा, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे छोटा, तो आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट को करना है कलर। दिस वॉज ऑल फॉर टूडे, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, ओके बाय।